हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरक्ष संरचना में शामिल है स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इज तो हमको बताना है कि इसकी संरचना किस प्रकार की है इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी और सी दोनों होंगे क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है और तीन सदस्य बॉडी होती है मतलब ऐसे पांच सदस्य इस कमीशन में हमें देखने को मिलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति शब्द का पहला प्रयोग पहली बार प्रयोग किया गया तो अनुसूचित जनजाति प्रयोग का पहली बार प्रयोग कब किया गया इंग्लिश में देख लीजिए द बर्ड शेड्यूल ट्राइब फर्स्ट टाइम यूज इन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दर्जा प्राप्त है नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन इज़ रिलेटेड टू तो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन को किस प्रकार का दर्जा है ऑप्शंस आप देख सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है सिविल कोर्ट इसको सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ रहती हैं वो प्राप्त है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को भी सेम पावर्स से यहाँ पे दी गई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसको अच्छे से कीजिएगा ठीक है पढ़िए पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सं, संबंध में सत्य कथन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन पहला ऑप्शन है राज्य सरकार को नीति निर्माण में परामर्श देना तो करेक्ट है ये बिल्कुल संघ सरकार नीति निर्माण परामर्श लेगी तो ये भी सही है थर्ड ऑप्शन है परामर्श में आर्थिक सामाजिक संरक्षण कल्याण तथा विकास संबंधी नियोजन शामिल हैं तो ये भी बिल्कुल सही है लास्ट और देख लेते हैं हम तो फोर्थ ऑप्शन है अनुसूचित जातियों से संबंधित शिकायत लिखित तौर पर सीधे की जा सकती है तो ये भी बिल्कुल सही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चारों कथा यहाँ पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू तो शेड्यूल कास्ट पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देता है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है और फिर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं बिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल कास्ट से संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल थ्री थर्टी एट में दिए गए हैं और वहीं हम बात करें शेड्यूल ट्राइब की तो शेड्यूल ट्राइब का थ्री थर्टी एट ए में दिया गया है शेड्यूल ट्राइब दिए गए हैं इसमें और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओ का प्रावधान थ्री बी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था इंग्लिश में देखते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन यहाँ पे एस टी कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन पूछा है तो एस टी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कुंवर सिंह इसके फर्स्ट चेयरमैन थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एथ क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन यहाँ पे कास्ट कमीशन पूछा है तो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के पहले अध्यक्ष थे सूरज भान सिंह जी तो इस चीज को आप याद रखिएगा नाइन्थ नंबर का देख लेते हैं <coughs> राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट uh, तो शेड्यूल कास्ट कमीशन के प्रेजेंट uh, पूछा है हमने अभी फर्स्ट देखे थे अब जो प्रेजेंट है वो हैं विजय सांपला जी जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं तो विजय सांपला जी का आप नाम याद रखिएगा ठीक है करंट चेयरमैन है नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के नेक्स्ट है हमारा टेंथ नंबर का है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली महिला uh, अध्यक्ष कौन थी तो हु इज़ द फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ़ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब पूछा है तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो करेक्ट आंसर है इसका उर्मिला सिंह उर्मिला सिंह जी एकमात्र फीमेल हैं अभी तक की जो चेयरमैन बनी थी और पहली चेयरमैन भी हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जो एस सी कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उसके अभी तक कोई भी फीमेल चेयरमैन नहीं रही है नेक्स्ट है, है हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रकृति है नेचर ऑफ़ द नेशनल कमीशन फॉर एस टी एंड द नेशनल कमीशन फॉर एस सी इज तो ये एक संवैधानिक निकाय है अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल थ्री थर्टी एट में एस से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और आर्टिकल 338 ए में एस से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं यानी ये संविधान में दिया गया है संविधान में मेंशन है तो ये क्या हुआ एक संवैधानिक निकाय हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को कौन से मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन हैव द स्टेटस ऑफ बिच मिनिस्टर तो जो अध्यक्ष रहता है उसे सेंट्रल मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा थर्टीनथ नंबर का है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा आपको बन भी जाएगा ईजी है में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो हमको हेड क्वार्टर बताना है हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन इज लोकेटेड इन इसका करेक्ट आंसर है, है न्यू दिल्ली क्योंकि न्यू दिल्ली में हमें बहुत सारे हेड क्वार्टर देखने को मिलते हैं और बहुत से कमीशन के यहाँ पर क्वार्टर हैं लगभग सभी कमीशन के यहाँ हमें हेड क्वार्टर देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का किस संवैधानिक संशोधन से अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग को विभाजित किया गया है वह बिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर एस टी एंड एस सी आर सेपरेटेड तो मैं आपको भी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ नाइनटीन फिफ्टीज के समय में एस टी एस सी कमीशन ना होकर यहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था स्पेशल ऑफिसर्स फॉर एसटी एंड एससी जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था तो वो हुआ करता था लेकिन फिर क्या हुआ इसके बाद धीरे धीरे 1978 में एक रेजोल्यूशन से सेंट्रल गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से एक कमीशन बनाई गई मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई अभी भी संवैधानिक इसको दर्जा नहीं दिया गया है फिर नाइनटीन 1987 एट्टी सेवन में फिर से कि एक रेजोल्यूशन लाया गया और उस कमीशन को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मतलब एस एंड एस नाम दे दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 1987 एट्टी सेवन में उसको नाम दे दिया गया फिर 1987 एट्टी के बाद एक संवैधानिक संशोधन किया गया और वो संविधानिक संशोधन था सिक्सटी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसमें से क्या किया गया था उसमें जो स्पेशल ऑफिसर्स था उसको हटा के एस टी कमीशन बना दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर एस एंड एस दोनों अभी एक संस्था है इसका पूरा नाम था नेशनल कमीशन फॉर एस एंड एस फिर एक संविधानिक संशोधन हुआ एट्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इसके द्वारा क्या किया गया इसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर एस को अलग बना दिया गया आर्टिकल थ्री थर्टी एट के अंदर और नेशनल कमीशन फॉर एच टी आर्टिकल थ्री थर्टी एट के अंदर अलग से बॉडी बना दी गई तो एट्टी नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दोनों को अलग कर दिया गया है दोस्तों यदि आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कमीशन पर तो हम उसको भी बना देंगे और आपको बिल्कुल सिंपल वे में पूरी प्रोसेस बता देंगे पूरा बैकग्राउंड कि कैसे कमीशन आज वर्तमान जो स्वरूप है उस स्वरूप में आप है तो आप एक वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हमने वर्तमान चेयरमैन एससी के देखे हैं तो एससी के वर्तमान चेयरमैन हैं विजय सांपला जी जो कि अभी रिसेंटली बने हैं कौन है विजय सांपला तो विजय सांपला जी का आप याद रखिएगा और अब एसटी का पूछा है तो एसटी के, के करेंट चेयरमैन हैं हर्ष चौहान आज की वीडियो में इतना ही आज हमने फिफ्टीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हम आगे भी ऐसे कमीशन की वीडियो ज़रूर बनाएंगे